इनिशियली हम लोग बेंजोइक एसिड के लिए यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो हम बेंजोइक एसिड की टैबलेट बनाएंगे, तो उसके लिए हम लगभग 1 ग्राम बेंजोइक एसिड, जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ सप्लाई है, 1 ग्राम बेंजोइक एसिड का पाउडर लिया। और अब हम इसकी टैबलेट बनाएंगे। उसके लिए ये इक्विपमेंट साथ में सप्लाइड है, इक्विपमेंट के साथ टैबलेट मेकिंग मशीन। तो हम इसको डाल लेंगे इस तरीके से, फिर इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे, तो ये टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सैंपल। ये हमने प्रेस कर दिया, अब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इसका लोअर बटन खोलेंगे। और इसको वापस वहीं पे फिक्स कर देंगे और नीचे पेपर रखकर इसको रोटेट करा देंगे, जिससे कि हमारी जो टैबलेट बनी है सैंपल की वो बाहर आ जाएंगी। आप देखेंगे अभी टैबलेट बाहर आने वाली है, ये टैबलेट फॉर्म होके बाहर आ गई है। ये टैबलेट हो गई। बॉम्ब की प्रिपरेशन जानेंगे कि बॉम्ब में किस तरह से सारी चीज़ें रखते हैं। हमारे पास टैबलेट आ गई है 1 ग्राम की बेंजोइक एसिड की। अब हम बॉम्ब को किस तरह से करेंगे, इसलिए हम बॉम्ब को अपर रिंग खोलेंगे इसका, और ये बॉम्ब का इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें एक कैविटी है, 2 रॉड्स हैं और ऊपर कुछ प्लग्स हैं। तो अब हम इसमें किस तरह से हमें टैबलेट फॉर्म करनी है वो बताते हैं। सबसे पहले हमें नाइक्रोम वायर लगाना होता है। ये वायर दिखाइए ज़रा, ये वायर जो आपके हाथ में है, ये वायर हम लोग इसमें लगाएंगे। इसके लिए इसमें स्लिट दी गई है, उस स्लिट में इसको फंसा कर जो रिंग है ऊपर रॉड के अंदर डले हुए, उसको डाउन कर देंगे तो वो टाइट हो जाएगी। आप राउंड भी दे सकते हैं उसको। कैविटी को पहले बाहर ही रख लीजिए, बाद में लगा लीजिए। तो वायर आप देख सकते हैं कि वायर फिर कैंची से काट लेंगे। ये वायर लग चुका है, आप देख सकते हैं इसके बीच में वायर लगा हुआ है। वायर लगाने के बाद हम इसमें कैविटी लगा देते हैं, टैबलेट बाद में डालेंगे, पहले धागा बांध लेते हैं। ये इसका कॉटन थ्रेड है जो कि बेसिकली उसको पहुँचाएगा फायर को, टैबलेट तक पहुंचाएगा। तो इसको हम, ये जो टंगस्टन वायर हमने लोगों ने लगाया है, इसके ऊपर इसको एक फिक्स कर देंगे। अब हमने ये कि थ्रेड लगा दी है, अब हम इसमें ये टैबलेट डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि टैबलेट इसके अंदर डल गई है, थ्रेड लग गई है, वायर्स बन गए। अब हम इसको बॉम्ब को क्लोज करेंगे। हमने बॉम्ब को फिक्स किया, इसके ऊपर एक रिंग है और यहाँ से इसको बाय हैंड लिटिल बिट इसको टाइट कर देंगे। बस एक बार हैंड से थोड़ा प्रेस कर देंगे, ये इनफ है। अब हम लोग ये ऑक्सीजन का पाइप, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर से हमने पाइप लिया है। ये इसके साथ ही सप्लाई होता है गेज, और इसमें सेफ्टी डिवाइस लगी होती है। ये सामने सेफ्टी डिवाइस लगी है और ये गेज है कि कितने केजी प्रेशर हमने इसमें देना है। ये सिलेंडर से कनेक्ट है। ये पाइप भी आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ ही सप्लाई होंगे। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो वाल्व लगा हुआ है, ये भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही जाएगा। और ये जो की है सिलेंडर को ओपन करने के लिए, ये भी इसके इक्विपमेंट के साथ ही सप्लाई होगी। इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है कि ये गेज से, और ये अब बॉम्ब में कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें 26 केजी ऑक्सीजन का प्रेशर फिलअप करेंगे। हमने ये पूरा टाइट कर दिया है और ये गेज है। अब हम वहाँ से ऑक्सीजन की वाल्व खोलेंगे और इसके अंदर 26 केजी ऑक्सीजन फिलअप करेंगे। ये आप देख रहे हैं बढ़ता रहे। इसी तरह से 26 केजी प्रेशर देने के बाद हम वाल्व को बंद कर देंगे ऑक्सीजन सिलेंडर से, और इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भर चुकी है बॉम्ब के अंदर।
ये मेरा बॉम्ब रेडी हो गया है। अब हम ये जो इसके अंदर एक पॉट है, इसके अंदर 1800 ml पानी, वाटर, डिस्टिल वाटर हो तो बहुत ही बेहतर है। हम 1800 ml वाटर इसके अंदर फिल करेंगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर फिल किया है। अब इसको यहाँ पर, इसके अंदर एक नॉच बनी हुई है, आप देखेंगे ये नॉच जो है बेसिकली यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि नीचे एक वो बना हुआ है यू फिक्सर, तो इसको ये यहाँ पर रख देंगे, हैंडल को डाउन कर देंगे, ये नॉच में हमने डाल दिया है। देख सकते हैं नॉच के अंदर फिक्स कर देंगे। अब हमने शेल को इसके अंदर रख दिया है, अब हम इसमें बॉम्ब को रखेंगे। बॉम्ब के लिए एक हुक दिया गया है, इस हुक से पकड़ के आप इजीली बॉम्ब को इसमें स्टैंड बना हुआ है उसके अंदर रख सकते हैं। हमने बॉम्ब को फिक्स कर रख दिया है पानी के अंदर। अब ये दो पॉइंट्स हैं जो कि बॉम्ब से इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से आ रहे हैं, इनको हम इन प्लग्स में लगा देते हैं। क्वालिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मीन नहीं रखती, आप कोई सा तार कहीं भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इसका टॉप फिक्स करेंगे, इसमें भी ये कट दिया गया है, यहाँ पर ये नोच फिक्स हो जाती है, आप देख सकते हैं ब्रास की नोच लगी हुई है और यहाँ से वायर ये बाहर आ सकता है। अब हम ये जो इसका एजिटेटर है, एजिटेटर को डालते हैं अंदर और ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है। इसका एजिटेटर इसी तरह से यहाँ से टाइट हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ये इसके टाइटनिंग के लिए है, हमने टाइट कर दिया। अब ये जो एजिटेटर का वायर है, ये हम जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है इसके पीछे एक प्लग होता है, इसके अंदर लगा देते हैं। फिक्स होने के बाद ये इसकी सेंसर प्रॉब है जो कि पीछे फिक्स है, आप देख सकते हैं कि सेंसर प्रॉब है, ये सेंसर प्रॉब को हम फिक्स करके इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक होल बना हुआ है जहाँ से हम इसको कर सकते हैं। एजिटेटर को टेस्ट से करीबन 5 मिनट पहले ऑन कर देते हैं, जिससे कि ये एजिटेट यहाँ से आपको दिख जाएगा रोटेट करता हुआ कि पुली मूव हो रही है, तो ये 5 मिनट्स तक के लगभग रोटेट होते रहना चाहिए। JSR का ये ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, इसमें स्मार्ट कीबोर्ड और LCD है, यहाँ पर ये पावर का बटन दिया गया है और यहाँ पे ऊपर प्रिंटर है। यहाँ पे मेन्स ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें इस पर आ जाती हैं कि इनिशियल टेम्परेचर जब तक के स्टेबल ना हो जाए, इनिशियली इस पर इनिशियल टेम्परेचर आएगा, ये दिखा रहा है, जब 5 मिनट जब एजिटेटर को चलते हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये डेट एंड टाइम रियल टाइम में दिखाता रहता है। ये यहाँ पे प्रिंटर दिया गया है जिसपे आपकी सारी वैल्यूज, कैलकुलेटेड वैल्यूज आती हैं, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वरना बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं इनकी। अब हमें 5 मिनट्स हो चुके हैं रोटेट कराते हुए, एजिटेट होते हुए वाटर को, तो अभी देखेंगे यहाँ पे वाटर इक्वलेंट की लाइट जली, LED जली हुई है और इनिशियल टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गया है। 2 टाइम्स में हम लोग टेस्ट डिटेल्स में आते हैं, 2 टाइम्स जब हम मीनू प्रेस करते हैं तो टेस्ट डिटेल आ जाते हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि हमें क्या करना है। हमें लोगों को 2 टेस्ट मिलते हैं कि सैंपल टेस्ट करना है या वाटर इक्वलेंट टेस्ट करना है, तो अभी हम वाटर इक्वलेंट टेस्ट कर रहे हैं इस नए इक्विपमेंट का, तो हम वाटर इक्वलेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अप एंड डाउन की से हम टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम सैंपल सेलेक्ट करना है या वाटर इक्वलेंट, तो हमने वाटर इक्वलेंट के लिए एंटर किया, एंटर दबाओ। अब ये इन्होंने कह दिया कि मास ऑफ द टैबलेट हम इसमें भरते हैं, एरो से अप डाउन कर लेते हैं, नहीं, मास ऑफ द टैबलेट हम फीड कर देते हैं। अब इसमें हम लोगों ने 1 ग्राम लिया है तो 1000 ऐड कर दिया, एंटर किया, एंटर कर चुके, मास भर चुके हैं, अब एंटर,
अब हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड की कैलोरीफिक वैल्यू भी फीड कर देंगे। सेंसिटिविटी को हमें छेड़ना नहीं है। अब हमने अप एंड डाउन की से बेंजोइक एसिड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू भर दी 6319, जो कि आपके पैकेट पे भी लिखी होती है। थोड़ी देर रुकेंगे तो ये ऑटो उसमें आ जाएगा। रुक जाएंगे। एरो की से हमारा ये टेस्ट डिटेल्स आ चुके हैं। अब हमने वाटर इक्वलेंट कर देना है। अब हम मेन मेनू से एग्जिट कर गए हैं, तो हम इनिशियल टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब हमें बटन प्रेस करना है फायर का। ये फायर का बटन दिया गया है, फायर एंड बैक, तो इसको फायर का बटन को प्रेस कर। फायर का बटन प्रेस करते ही आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज आएंगी, इनिशियल टेम्परेचर, राइज टेम्परेचर एंड फॉल टेम्परेचर, ये टोटल डेट एंड टाइम के साथ आपके आ जाते हैं। जैसे ही फायर करते हैं और सभी LED ग्लो हो जाती हैं। फ्यूज वायर ओपन, टेस्ट इन प्रोसेस और वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट।